जिला पंचायत पहुंचे प्रधानमंत्री आवास मित्रों ने मानदेय दिलाने के लिए जिला पंचायत सीआईओ को ज्ञापन सौंपकर जल्द मानदेय दिलाने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि आवास मित्रों को बिना सूचना दिए पद से पृथक कर दिया गया, जिसके बाद आज तक राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान को लेकर कई बार जिला पंचायत सीआईओ और जिला कलेक्टर को लिखित में सूचना देने के बाद भी आवास मित्रों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि आज दिए गए ज्ञापन पर जिला पंचायत सीआईओ मानदेय दिलवाते हैं या आवास मित्रों को फिर आवेदन लेकर उच्च अधिकारियों के पास ज्ञापन लेकर जाना पड़ेगा। हम लोग को आवास मित्रों को बिना सूचना के निकाल दिया गया, पद से पृथक कर दिया गया और आज तक हम लोग का भुगतान, राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। उसके संबंध में हम कई बार जिला पंचायत सीईओ को और कलेक्टर को लिखित में सूचना दे चुके हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रत्येक आवास में इसका 40 से 50 हज़ार से 1 लाख तक का भुगतान बाकी है। लगभग 100 से ऊपर होंगे सरगुजा संभाग, सरगुजा जिला में, सरगुजा 400 आवास मित्र। अभी लॉकडाउन के समय से बहुत परेशानी है, हम कुछ कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का भुगतान मिल जाता तो हम छोटा मोटा रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर लेके कुछ कार्य।